हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं दीपा और आप देख रहे हैं सिंपली माय होम गार्डन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल शहरों में ऐसे घर बनने लगे हैं जिनमें जगह की बहुत ही कमी महसूस होती है। आप चाहकर भी बड़ा गार्डन नहीं बना सकते, और बड़े शहरों में तो लोग फ्लैट्स में ही रहते हैं, तो ऐसी जगह पे तो हम बालकनी में ही गार्डन बना सकते हैं, और हमारी फ्लैट्स की बालकनी भी उतनी बड़ी नहीं होती। तो अगर आपका गार्डनिंग पसंद है और आपके पास जगह काफ़ी कम है, तो आपके लिए हैंगिंग बास्केट में प्लांट्स लगाना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इससे आप काफ़ी कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स भी लगा सकते हो और अपने घर के टेरेस या बालकनी गार्डन को सुंदर सुंदर पौधों से सजा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट लगाने से आपके पास स्पेस की भी कमी नहीं होगी और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, और घर तो सुंदर लगेगा ही। फ्रेंड्स, वैसे भी कुछ सुंदर से हैंगिंग प्लांट्स बास्केट में लगाओ तभी अच्छे लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, वांडरिंग जू है, टर्टल वाइन, टेंगल हार्ट, ये सभी हैंगिंग बास्केट में लगे हुए ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम हैंगिंग बास्केट लगाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बास्केट में जब हम प्लांट्स लगाकर हैंग करते हैं तो वो काफ़ी हैवी हो जाती है। फ्रेंड्स, उसके हैवी होने से टूटने का भी डर रहता है, तो इन सभी बातों के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसी के लिए ही आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें कैसी सॉइल प्रिपेयर करनी चाहिए जिससे कि हमारी हैंगिंग बास्केट जो है लाइट वेट बन सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो आज मैं आपको बास्केट में लाइट वेट सॉइल प्रिपेयर करके प्लांट्स कैसे लगाते हैं उसी के बारे में बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने ये एक प्लास्टिक की हैंगिंग बास्केट ली है। ये काफ़ी कलर और डिज़ाइन में मिलती है, आपको जैसी पसंद है आप वैसी ही ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बास्केट में अच्छे से चेक कर लें कि उसमें अगर होल ना हो तो ऐसे उसमें 3-4 होल कर लें। होल करने के लिए आप किसी शार्प चीज़ या स्क्रू ड्राइवर को गर्म करके उसमें ये होल ईजिली हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारे प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटर अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। बारिश के दिनों में तो ये और भी ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम सॉइल मिक्स की बात कर लेते हैं। इसको बनाते हुए हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि ये लाइट वेट होनी चाहिए हमारी मिट्टी, दूसरा ये हमारी मिट्टी ऐसी हो कि जो मॉइस्चर को देर तक होल्ड कर सके जिससे कि उसमें हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सके। तो इसके लिए हमें हैंगिंग बास्केट की सॉइल में कोकोपीट का यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं जो सॉइल मिक्स अपनी हैंगिंग बास्केट के लिए बनाती हूँ वही मैं आपको आज मैं दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको दिखाने के लिए मैंने एक जगह वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, सैंड और साथ में मैंने ये गार्डन सॉइल लिया है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको हैंगिंग बास्केट की मिट्टी बनाने के लिए ये 40% कंपोस्ट लेनी है, जिसमें आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो और चाहे तो काउडंग कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप लीफ कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। और वर्मी कंपोस्ट के साथ ये हमें 40% कोकोपीट लेना है। फ्रेंड्स, हमें जो कोकोपीट प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं वो जब हम खरीद के लाते तो उसमें हमें ब्रिक के जैसे मिलता है, तो उसको क्या करना है, हमें कुछ समय पानी में भिगोकर 3 बार साफ पानी से निकाल कर अच्छे से सुखा के यूज़ करना है फ्रेंड्स। और ये हमने कुछ रिवर सैंड और ये गार्डन सॉइल लिया, 10-10% ये दोनों लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी हैंगिंग बास्केट को बनाने के लिए हम इन चारों को लेकर के 40% कंपोस्ट, 40% कोकोपीट, 10% रिवर सैंड और 10% गार्डन सॉइल को लेकर के हमें इनको अपनी हैंगिंग बास्केट की मिट्टी तैयार करनी है। और यही हमारी हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट सॉइल मिक्स है। इसमें आप चाहे तो साफ का फंजीसाइड भी मिला सकते हैं, एक छोटा चम्मच लेकर के इसमें साथ में मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कंपोस्ट हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता है और सॉइल तो प्लांट्स के लिए चाहिए ही होता है। और कोकोपीट की इम्पोर्टेंस इसलिए है, एक तो ये लाइट वेट होता है और दूसरा ये पानी को काफ़ी टाइम तक एब्जॉर्ब करके रखता है। इसको यूज़ करने से एक तो आपकी बास्केट लाइट वेट होगी और आपको डेली प्लांट्स को पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फ्रेंड्स, हमने अपनी सॉइल को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी ये प्लांट्स लगाने के लिए एकदम रेडी है। प्लांट्स लगाने से पहले ये होल भी चेक कर लें कि आपकी बास्केट में होल बने हुए हैं कि नहीं, और इन होल्स को ढकने के लिए फ्रेंड्स ये कि वेस्ट क्लॉथ का हमें पीस लेना है, और मिट्टी डालने से पहले इस कपड़े के पीस को हमें बास्केट के अंदर छेद के ऊपर रखना है, उसके बाद ही हमें मिट्टी डालनी है। जब हम ज़मीन पर पॉट्स में प्लांट्स लगाते हैं तो
उसमें तो हम कुछ भी मिट्टी के गमले का टुकड़ा या पत्थर भी रख सकते हैं होल पे, लेकिन हैंगिंग बास्केट में ऐसे किसी भी पुराने कपड़े से हमें ढक देना चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम हैंगिंग बास्केट में पानी लगाएंगे तो उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर नीचे गिरेगा उसमें मिट्टी वाला पानी नहीं गिरेगा, साफ पानी ही बाहर आएगा। इस तरह की सॉयल मिक्स को हम सब तरह के प्लांट्स लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली इंडोर प्लांट्स हों, सेकुलेंट्स हों या फिर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स हों। चलिए मैं अब आपको इस बास्केट में एक प्लांट लगा करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक गोल्डन सीडम का प्लांट है, ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मैं आपको लगा करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। बास्केट में ये गोल्डन सीडम बहुत ही अच्छा लगता है और जब ये घना हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब हम इसको अच्छे से मिट्टी डाल करके रख देंगे और इसमें अच्छे से फिर एक बार पानी भी लगा देंगे। एक बार पानी लगाने के बाद आपने जल्दी बाद में फिर पानी नहीं देना है, कुछ दिन रुकने के बाद जब ये अच्छे से सूख जाए तभी दोबारा पानी देना है। फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही लाइट वेट सॉयल प्रिपेयर करके अपनी बास्केट को लगा सकते हो। और मैं ये एक दूसरी बास्केट में सिनेरेरिया का प्लांट भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। मेरे पास ये कुछ सॉयल पहले से प्रिपेयर की हुई है। तो इस तरह से हमारी ये दो सुंदर सी बास्केट तैयार हो गई हैं। होप आपको भी ये पसंद आई होंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।